फोर्स टू उन अंडरकवर एजेंट्स को समर्पित है जो समय आने पर देश के लिए अपनी जान देते हैं और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। इस थीम को लेकर चिर परिचित कहानी बुनी गई है। एसीबी यशवर्धन ने 5 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी को खोया था और अब उसे कोई दर्द नहीं होता। दूसरी ओर रॉ के 3 एजेंट्स चीन में मारे जाते हैं। इनमें से एक यश का दोस्त भी है। कोई ऐसा है जो इनकी पहचान दुश्मनों को बता रहा है। इसे ढूंढने की जिम्मेदारी यश को सौंपी जाती है। इस काम में उसकी मदद करती है रॉ एजेंट के। दोनों पता लगाते हैं कि बुडापेस्ट में कोई ऐसा शख्स है जो यह काम कर रहा है। बुडापेस्ट पहुंचकर वे शिव शर्मा को बेनकाब कर देते हैं। इसके बाद शिव को पकड़ने का खेल शुरू होता है। शिव ऐसा क्यों कर रहा है, यह राज फिल्म के अंत में खुलता है। 5 साल पहले मेरी बीवी मर गई थी, तब से मैं सटक गया हूं। फिल्म की कहानी बेहद सरल है और सारा फोकस शिव को पकड़ने में होने वाले रोमांच पर रखा गया है। इसके लिए कॉमेडी या रोमांस की बैसाखियों का सहारा भी नहीं लिया गया है। फिल्म में आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कुछ उतार चढ़ाव देकर चौंकाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पैतरेबाजी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। स्क्रिप्ट में एक्शन के शौकीनों को खुश करने के लिए लॉजिक को किनारे रख दिया है। बुडापेस्ट की सड़कों पर यश और केके जिस तरह की गोलीबारी करते हैं, उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शिव तक हर बार यश और केके आसानी से पहुंच जाते हैं। यदि इसमें थोड़ी कठिनाई रखी जाती तो फिल्म का मजा बढ़ सकता था। 2 दिन में मैं रॉ से ऐसा बदला लूंगा जिसे इंडिया कभी भूल नहीं पाएगा। फोर्स का निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था, लेकिन सीक्वल में यह जिम्मेदारी अभिनय देव ने संभाली है। अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख उन्होंने फिल्म बनाई है। एक रूटीन कहानी को उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण के दम पर दर्शकों को बांध रखने में सफलता हासिल की है। स्क्रिप्ट की कमियों को बखूबी छिपाते हुए उन्होंने फिल्म को कूल लुक दिया है और स्टाइलिश एक्शन का तड़का लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया है। अभिनय की इसलिए भी तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने फिल्म को भटकने नहीं दिया। एक आइटम सॉन्ग का मोह भी वे छोड़ देते तो बेहतर होता। तुम्हें लगा कोई मेल ऑफिसर होगा? हाँ। तो तुम लड़कियों को काबिल नहीं समझते? मैं बस इतना समझता हूँ कि के आदमी का भी नाम बस। जॉन अब्राहम एक स्टाइलिश हीरो हैं। वे फिल्म में बेहतर लगे हैं तो इसका श्रेय निर्देशक को जाता है। जॉन के चेहरे पर आसानी से भाव नहीं आते और उन्हें इस तरह के दृश्य बहुत कम दिए गए हैं। ज्यादातर समय वे एक्शन करते ही नजर आए। उनका एंट्री वाला सीक्वेंस जोरदार है। सोनाक्षी सिन्हा ने जॉन का साथ अच्छे से निभाया है और वे भी रॉ एजेंट के रूप में एक्शन करती नजर आई। मर्दानी में अपनी खलनायकी से प्रभावित करने वाले ताहिर राज भसीन यहाँ पर भी बुरे काम करते दिखाई दिए। एक कूल माउथ ऑर्गन बजाने वाले और चालाक विलेन के रूप में वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं और अंत में कुछ दर्शकों की हमदर्दी भी उनके साथ हो सकती है। मेरी एडवाइस सुन, ना घर बेच दे और बिना खिड़की वाले कमरे में रहने की आदत डाल। फोर्स 2 के एक्शन डायरेक्टर और उनकी टीम का काम काबिले तारीफ है। कार चेजिंग सीन और गन फाइट्स के जरिए वे दर्शकों को रोमांचित करने में सफल रहे हैं। सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है और फिल्म को रिच लुक देती है। क्लाइमेक्स का कुछ हिस्सा वीडियो गेम की तरह शूट किया गया है और यह प्रयोग अच्छा लगता है। एक्शन सीक्वेंस को सफाई के साथ शूट किया गया है। ज्यादा उम्मीद लेकर न जाएं तो फोर्स 2 पसंद आ सकती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।